फ्रेंड्स नमस्कार, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स मेरे चैनल पे आप सबका स्वागत है। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर व कमेंट करें, और मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे उसके लिए बेल आइकॉन पे जरूर क्लिक करें। फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे चॉकलेट लापसी, कुछ अलग लापसी। मैंने पहले भी अपने चैनल पे डाली हुई है, आप वो भी देख सकते हैं। यहाँ हम ये चॉकलेट लापसी बना रहे हैं जो कि सबको बहुत ही पसंद आएगी। आप मेरी वीडियो अंत तक देखते हुए मेरे सारे स्टेप फॉलो करते हुए लापसी बनाइएगा फ्रेंड्स। तो आइए हम इस तरह की टेस्टी चॉकलेट लापसी बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, आधा कप हम दलिया ले लेंगे। अगर आपके पास भुना हुआ दलिया नहीं है तो आप कच्चा ले सकते हैं। मैंने यहाँ भुना हुआ दलिया लिया है और ये मीडियम कट दलिया है, बारीक नहीं है मोटा भी नहीं है। जो मीडियम वाला दलिया आता है वो हमने ले लिया है। अब हम एक पैन ले लेंगे और गैस ऑन करेंगे। पैन में 2 टेबल स्पून घी डाल लेंगे, 2, और ये दलिया डालेंगे। दलिया हमारा भुना हुआ है इसलिए हमें भूनने की आवश्यकता नहीं है ज्यादा, और हम फिर भी सिर्फ 1 मिनट थोड़ा सा दलिये को गरम कर लेंगे। ये देखिए घी हमें, क्योंकि हम लापसी बना रहे हैं इसलिए हमें लापसी में घी थोड़ा अच्छा चाहिए होता है, तो घी इस तरह से अच्छे से दिखना चाहिए आपके दलिये पे, लापसी पे। इस तरह से हमें घी लेना है। सिर्फ 1 मिनट थोड़ा सा भून लेंगे ताकि हमारा दलिया थोड़ा गर्म हो जाए। 1 मिनट हो गई है, हमारा दलिया गर्म हो गया है। आधे कप दलिये में 1.5 कप पानी डालेंगे। 1 कप डाल दिया और ये 1/2 कप, इस तरह से हमने 1.5 कप पानी डाल दिया है। पानी के साथ ही हम इसमें, क्योंकि हम ये कोको लापसी बना रहे हैं, तो हम इसमें 2 टेबल स्पून कोको पाउडर डालेंगे। इस तरह से भर के 2 टेबल स्पून कोको पाउडर डाला, अच्छे से मिक्स करेंगे। कोको पाउडर हमने अभी साथ में इसलिए डाल दिया है ताकि जो हमारी लापसी है उसमें अंदर तक अच्छे से कोको का फ्लेवर जाए और अच्छे से एकदम प्रॉपर कलर हमारी लापसी में आए, इसके लिए हमने अभी से इसमें ये कोको पाउडर डाल दिया है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब तक मिक्स करेंगे तब तक हमारी लापसी में उबाल भी आ जाएगी। ये देखिए फ्रेंड्स, आप देख पा रहे होंगे हमारी लापसी में उबाल आने लगी है। और अब हम गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और ढक देंगे, और ढक करके लो फ्लेम पे 10 मिनट हम बिना हिलाए लापसी को पकने देंगे, और 10 मिनट बाद हम खोल के चेक करेंगे। 5 मिनट हो गई है हमें लापसी को पकाते हुए, और एक बार हम चेक कर लेंगे खोल के। तो ये देखिए हमारा दलिया अच्छे से फूल गया है लापसी का, और पानी हमें इसमें थोड़ा सा कम लग रहा है, तो हम इसमें थोड़ा सा यानी कि 1/4 कप जितना पानी और डाल लेंगे। इस तरह से थोड़ा सा पानी डालेंगे, 5 मिनट फिर से पकने देंगे। देखिए फ्रेंड्स, टोटल 10 मिनट हो गई है हमें लापसी को पकाते हुए, और ये देखिए हमारी लापसी पक गई है, अच्छे से फूल गई है। अब हम इसमें शक्कर डालेंगे 1/2 कप, अच्छे से मिक्स करेंगे शक्कर को, और लगभग 2 टेबल स्पून किशमिश डालेंगे। किशमिश हम इसलिए डाल रहे हैं पहले ताकि हमारी किशमिश लापसी में अच्छे से फूल जाए। और अब हमने जो शक्कर डाली है उस शक्कर को पकने तक यानी 2-3 मिनट और पका लेंगे। अब हम गैस की फ्लेम को मीडियम कर लेंगे और 2-3 मिनट और पकने देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, 2-3 मिनट हो गई हमें शक्कर डाल करके पकाते, और ये देखिए हमारी लापसी में शक्कर अच्छे से घुल गई है। अब हम इसमें थोड़ी सी 3-4 इलायची के दाने या इलायची का पाउडर डाल लेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे, ढक के 1 मिनट पका लेंगे। 1 मिनट हो गई है, अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसमें 1 टेबल स्पून कटे हुए बादाम डालेंगे, 1 टेबल स्पून कटे हुए काजू, 1 टेबल स्पून चिरौंजी, थोड़े से गोला लंबा लंबा नारियल काट के और फिर ले लेंगे, और अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए सब ड्राई फ्रूट्स डाल के मिक्स करने के बाद में हम चॉकलेट लापसी बना रहे हैं, इसलिए हम इसमें 4-5 बूंद चॉकलेट एसेंस की भी डालेंगे ताकि हमारी लापसी में चॉकलेट की और बहुत अच्छी खुशबू आएगी। और अच्छे से मिक्स कर देंगे और 10 मिनट अच्छे से ठंडी होने देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, 10-15 मिनट हो गई है और हमारी लापसी ठंडी हो गई है। अब हम इसे हिला लेंगे, तो हिलाने से, थोड़ी ठंडी करने से क्या होता है कि हमारी लापसी एकदम बिल्कुल खिली खिली बनती है। तो ये देखिए अब हम इसे सर्व करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी चॉकलेट लापसी बन करके कोको लापसी तैयार हो गई है। आप मेरी वीडियो देखते हुए ये लापसी बनाइए, श्राद्धों में बनाइए, या जब मीठा खाने की इच्छा हो, जब कुछ अच्छा और टेस्टी और अलग बन खाने की इच्छा हो, हम इस तरह से चॉकलेट लापसी बना करके और खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप ये बनाइए, खाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।